जय हिंद बच्चों। इस वक्त यार देखो एनडीए के अब 30 दिन बचे हुए हैं पेपर को, और अभी क्या है ना कुछ कैटेगरीज होती है बच्चों की, तो आप भी उनमें से किसी एक लाई करते होंगे। मैं कैटेगरी बता दे रहा हूँ, आप जिसमें भी लाई करते हो आप वो कर लो। बहुत कंफ्यूजन हो रही है मैथ्स को लेकर क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, एक वो कैटेगरी है जो पिछली बार भी मॉक दिया, एनडीए पेपर दिया था, उसके पहले भी दिया था, 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, और पर वो गलती क्या कर रहा है, फिर से वो पूरी मैथ पढ़ रहा है। उसे पढ़ना नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं करना चाहिए। इस वक्त दो काम कर लो तुम, एक 2 घंटे लगा के पूरे फॉर्मूले मैथ्स के जो है उसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। दूसरा, एक दिन में 2 मॉक लगाइए मैथ्स के। कब तक? 20 मार्च तक। 20 मार्च तक आप एक दिन में 2 मॉक लगाइए और उन मॉक की एनालिसिस कर लीजिए। दैट्स इट। वो उनके लिए जिनकी मैथ सुपर स्ट्रांग हो चुकी है, जो पीवाईक्यू सारा रट चुके हैं, लगा चुके हैं, उनके लिए। अब जिनकी मैथ्स अच्छी है बट अभी प्रिपरेशन की है और बहुत मतलब मॉक्स नहीं दिए हैं और एनडीए पहली बार दे रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगा यार कि अब एक काम करो, तुम 1 मॉक पर डे और 2 घंटे फॉर्मूला लिखो। बस तुम ये काम कर लो कि तुम्हें दिन भर में 2 घंटे फॉर्मूले लिखने हैं सारे जितने भी मैथ्स में हैं, और दूसरा मॉक एक लगाना है और उसकी एनालिसिस करनी है। बाकी पूरा फोकस जीएटी पे डालो, तो ही मैथ्स स्ट्रांग है। अब वो बच्चे जिनकी मैथ्स एवरेज है, जिनकी मैथ्स ठीक ठाक है, मतलब वो फॉर्मूले भूलते हैं, याद रहता है, कुछ कंसेप्ट कभी लगता है कभी अप्रोच नहीं लगता, उनको क्या करना चाहिए? उनको यार ये करना चाहिए कि इस वक्त 2017 से लेकर 2022 तक का जो एनडीए का पेपर है ना, उसको वो एज अ वर्कशीट सॉल्व करे देखकर विद नो टाइम लिमिटेशन, और 2009 से लेकर 2015 तक के जो पेपर है ना प्रीवियस ईयर, वो उसको एज अ मॉक दे। इससे क्या होगा ना कि मॉक उनको देने की जरूरत नहीं है, वो प्रीवियस ईयर को मॉक की तरह दे, तो उनको क्या होगा कि एकदम यूपीएससी का टाइप है हर चैप्टर में, तो क्वेश्चन वो वैसे ही फ्रेम करते हैं, तो एट द एंड 9 से 22 तक उसके सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। जब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते ना अच्छे से, आप मॉक कभी ना लगाओ। तो ये अब एक बच्चे ऐसे जिनकी मैथ्स वीक है, लिटरली वीक है, उनको इस वक्त बिल्कुल कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिमिटेड चैप्टर्स पढ़िए, सब मत पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है 3D समझ नहीं आ रहा, 3D छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत नहीं घुस रही, तो जो मैं थोड़ा सा चार्ट पढ़ाता हूँ बस आप उतना पढ़ लो। कोई भी चैप्टर में सब टॉपिक पढ़ लो और जितना आ रहा उसको करो, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको इस वक्त मॉक बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, मॉक आपका मोराल तोड़ देगा। आपको अभी क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2017 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर जो है उनके सारे क्वेश्चन जितने भी आपसे हो पाए उन्हें ट्राई करना चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात बच्चों, 25 मार्च के बाद कोई भी बच्चा मॉक मत लगाइएगा। 25 मार्च से 16 अप्रैल सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को रिवाइज करिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगाइएगा। आई होप ये वीडियो आपको काम करेगा, और जब कुछ समझ ना आए तो MJS मैथ जुगाड़ से चैनल को फॉलो करिएगा। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे।